नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके रखा है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रस्ट वॉलेट से आप MMIT या किसी भी टोकन को किसी दूसरे एक्सचेंज पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ पर कैसे सेल कर पाएंगे आप, या उसको USDT में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे आप। तो ये वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, एक एक स्टेप मैं जो आपको करके दिखाऊंगा लाइव कि कैसे कैसे आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे, उसको कैसे चैन को सेलेक्ट करना रहता है, कैसे वॉलेट एड्रेस सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से आज बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो चलिए, पहले आप लोगों को ध्यान रखना रहता है कि आप जिस भी टोकन को ट्रस्ट वॉलेट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चेक करना रहता है कि वो जो टोकन है वो लिस्टेड कहाँ पर है, वो टोकन कहाँ पे रजिस्टर है, किस एक्सचेंज पे रजिस्टर है जहाँ पे आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सपोज जैसे MMIT की ही बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप मुझे MMIT को किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे यहाँ जहाँ तक पता है कि ये जो रजिस्टर्ड है MEXC पे लिस्टेड है, जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है, XT.com पे इसकी ट्रेडिंग हो रही है, कॉइन बाजार पे है, तो मैं यहाँ से किसी भी एक्सचेंज को सेलेक्ट करके वहाँ पे अपने टोकन को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ की क्राइटेरिया के हिसाब से मैं उसको वहाँ पे सेल करके USDT में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सेंड करने के लिए करना क्या रहता है आपको, सिंपली सबसे पहले मुझे उस किसी एक एक्सचेंज पे जाना होगा जिस एक्सचेंज पे ये कॉइन लिस्टेड है। जैसे कि सपोज़ मैं MEXC पे जाता हूँ, MEXC पे MMIT जो है लिस्टेड है। वैसे ही आप किसी, मैं डेमो के लिए आपको MMIT का बता रहा हूँ, लेकिन यही प्रोसेस लगभग सभी टोकन्स के लिए लागू होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार मैंने अपना MEXC ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे वॉलेट सेक्शन में जाऊँगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे राइट साइड कॉर्नर पे नीचे वॉलेट दिखा रहा है, वॉलेट पे जाऊँगा मैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा डिपॉजिट विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र का, तो मुझे क्या करना है, अपने MMIT टोकन को MEXC.com पे ट्रांसफ़र करना है, मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो सिंपली है, मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा, मैं डिपॉजिट के सेक्शन में यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च में आपको सेलेक्ट करना है MMIT। ये देखिए MMIT सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया मैंगो मैन इंटेलिजेंट, ये आ चुका है यहाँ पे और आपका एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये एड्रेस शो कर रहा है यहाँ पे और ये मिनिमम डिपॉजिट 0 है, मतलब आप एक MMIT से लेकर कितना भी MMIT यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए, कोई भी टोकन को डिपॉजिट करते टाइम आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि आप जिस नेटवर्क पे डिपॉजिट कर रहे हो, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं MMIT का जो यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है BEPBSC20 मतलब होता है वो टोकन जो Binance स्मार्ट चेन के ऊपर बने होते हैं, नेटवर्क के ऊपर बने होते हैं, उसको BEP20 नेटवर्क कहा जाता है, यानी कि Binance स्मार्ट चेन, आगे BSC लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और ये उसका BEP20 का एड्रेस दिया हुआ है। और कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो BEP20 पे भी होते हैं, ERC20 पे भी होते हैं, MATIC पे भी होते हैं, मतलब अलग अलग नेटवर्क पे भी वो बने होते हैं। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस नेटवर्क से डिपॉजिट कर रहे हो उसी नेटवर्क में विड्रॉ भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे BEP20 में डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मैं जब जहाँ से सेंड करूँगा, जहाँ से भेजूँगा इस एड्रेस पे, वो भी BEP20 में ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका टोकन लॉस्ट हो जाएगा और वो नहीं मिलेगा, दोबारा रिकवर नहीं हो पाता है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करूँगा, इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जा रहा हूँ। ट्रस्ट वॉलेट पे जाने के बाद मैं इसको क्लिक करूँगा MMIT को, यहाँ पे आप लोग देखिए ये भी BEP20 टोकन है, MMIT जो है ये भी BEP20 टोकन है, ये Binance स्मार्ट चेन का है। और सेम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर मेरे है एक टोकन है उरुस करके, ये टोकन जो है ERC20 नेटवर्क पे है, इसको अगर मैं भेजूंगा तो ये नहीं जाएगा वहाँ पे, ये टोटली लॉस्ट हो जाएगा मेरा, और ये मेरा टोटल का कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है, मेरा का टोकन जो है ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा यहाँ से, मेरा लॉस हो जाएगा इन द सेंस, कहने का मतलब है। तो हमेशा BEP20 में आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास BNB सफिशियंट अमाउंट में होना चाहिए ट्रांजेक्शन फीस पे करने के लिए। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से सेंड कर रहे हैं तो आपके पास सफिशियंट अमाउंट BNB होना चाहिए, जो ट्रांजेक्शन का फीस लगता है एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग करके देखते हैं। अभी MMIT पे आ गया मैं, इसको सेंड के ऑप्शन पे जाना है आपको। सेंड पे ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो एड्रेस आपने वहाँ से कॉपी किया था MEXC एक्सचेंज से, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और आपको अमाउंट डालना है कि आप MMIT का कितना अमाउंट यहाँ से भेजना चाहते हो।
चलो चलिए देखिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मैं इतना अमाउंट यहाँ से भेजना चाहता हूँ अपने वॉलेट से। मैंने सेलेक्ट करके कंटिन्यू का बटन पर प्रेस किया हूँ। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल जनरेट हो रही है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे किस एड्रेस से और किस एड्रेस पे जा रही है नेटवर्क। फीस लग रहा है $0.04 का BNB कट रहा है मेरा, और ये मैंगो मैन इंटेलिजेंट BEP20 जो है वो एड्रेस है। एक बार इस एड्रेस को आपको वेरीफाई करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे 2 जो दिख रहा है आपको, 2 का जो एड्रेस दिख रहा है उसमें देखिए लास्ट में 08352। यहाँ पे मैं आके अपने इस एड्रेस को एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ फिर से MMIT के कि मेरा वो एड्रेस करेक्ट है। क्योंकि देखिए एक सिंगल वर्ड का मिस्टेक हो जाएगा तो आपका टोकन वो लॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए 08352, ये देखिए ये मेरा 08352 वहाँ पर सिंपली मुझे शो हो रहा है। और अभी मैं यहाँ से इसको कंफर्म करूँगा और ट्रांजेक्शन को मैं अप्रूवल दे दूँगा यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ से ट्रांजेक्शन को अप्रूवल देता हूँ, ये देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ से जो है अप्रूव हो चुकी है टुडे। ये मेरा देखिए ट्रांजेक्शन अप्रूव हो चुका है 9:09 पे, और ये अगले 2 से 3 मिनट में मेरे MEXC एक्सचेंज पे जो है वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और जब वहाँ पे क्रेडिट होगा तो मैं भी उसका भी आप लोगों को मैं ले चल के दिखाऊंगा। तो ये रही दोस्तों कि आप किसी भी टोकन को, सिर्फ MMIT ही नहीं, अपने किसी भी टोकन को एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर कैसे ट्रांसफर, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू किसी एक्सचेंज पर कैसे लेके जा सकते हैं, ये वीडियो में बताने का मेन मकसद था। दूसरी चीज़ है, ये तो हो गई BEP20 की। अगर सपोज आप मुझे ERC20 को अगर भेजना है, जैसे ये उरुस टोकन है मेरा, इसको अगर मुझे सेंड करना है किसी दूसरे एक्सचेंज पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सामने जो चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी वो ERC20 की चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि उरुस टोकन यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, मैं USDT का डेमो ले लेता हूँ एक बार। ये देखिए USDT अगर मुझे ट्रस्ट वैलेट से MEXC पे भेजना है तो मेरे पास सारी चेन है। TRC है, BEP20 है, ERC है, ELGO है, हेको है, मैटिक है, आर्बिट्रियम है। तो मैं अगर ERC20 भी भेजना चाहता हूँ तो मैं ERC20 सेलेक्ट करूँगा और इस एड्रेस पे मैं भेज दूँगा वहाँ से सिंपली। तो एड्रेस तो देखिए एक्सचेंज का जो EVM चैन होता है उसका एड्रेस सबका सेम ही रहता है, लेकिन हमेशा आपको नेटवर्क जो है वो सावधानी से सेलेक्ट करना है कि आप किस चैन से और किस चैन पर सेंड करें। देखिए मेरा यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है अमाउंट MMIT का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने वहाँ से सेंड किया था। ये देखिए ये मेरा सेम क्वांटिटी का अमाउंट यहाँ पे जो है मेरे MEXC पे क्रेडिट हो चुका है। एक बार इसको ब्लॉकचेन पे भी जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे भी एक बार हम लोग जाके चेक कर सकते हैं, सक्सेसफुली 31 ब्लॉक कन्फर्मेशन आ चुका है। तो ये तो दोस्तों रहा कि आप किसी भी टोकन को ट्रस्ट वैलेट से किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर कैसे भेज सकते हैं, ये हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में। अब दूसरी चीज़, एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी एक्सचेंज से मुझे ट्रस्ट वैलेट पर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसी प्रोसेस को आपको सिर्फ रिवर्स कर देना है। सपोज अगर MMIT मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे लेके जाना है तो मुझे डिपॉजिट की जगह विड्रॉ पे क्लिक करना है। ऑन चेन विड्रॉवल हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन चेन विड्रॉवल करना है। ऑन चेन विड्रॉवल करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली आऊँगा ट्रस्ट वॉलेट पे, और ट्रस्ट वॉलेट से मैं अपना MMIT का जो एड्रेस है MMIT में मैं रिसीव पे जाऊँगा। अभी इस बार रिसीव पे जाऊँगा, जो एड्रेस मेरा शो कर रहा है इस एड्रेस को कॉपी करूंगा मैं, कॉपी करके MEXC पे आऊंगा और उस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और चेन ऑटोमेटिकली अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा BEP BSC20 और यहाँ पे अमाउंट डाल के मुझे कंफर्म करके OTP सबमिट करना होगा, और जो मेरा MEXC का टोकन है वो मेरे ट्रस्ट वॉलेट पर चला जाएगा। ये बहुत सिंपल आसान है, आप 1, 2, 3, 4 बार देखेंगे इसको, ट्राई करेंगे तो आपसे आप भी इसको कर पाएंगे आसानी से और ये संभव हो पाएगा आपसे भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा प्रोसेस। अगर किसी को अभी भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो वीडियो में नीचे कमेंट में मुझे बता देंगे, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे उनका जवाब देने का। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोग भी इसको सीख सकें, अपने टोकन को ट्रांजेक्शन करना सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।